Hey guys, what's up? ये रहा मेरा नया अवतार। आप लोगों ने लोगों का रिएक्शन वीडियो तो देखा होगा, आज आपको मेरा देखने मिलेगा। कुछ भी। So guys, ऐसा है ना कि मैं बहुत रो रहा था। मैं कभी भी ना अपने ट्रोल वीडियोस और ये सारी चीजें ना कभी नोटिस ही नहीं करता, देखता ही नहीं। जब भी मेरे एक्सप्लोर में आता है, मैं फट से उसको घुमा देता हूँ ऊपर। मुझे देखना ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मैं ये सारी चीजें इग्नोर करता हूँ। बट आज मैं सारी चीजें को मद्देनजर करने वाला हूँ। प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे दोस्त लोग जो है और जो मेरे टीम मेंबर है, इन लोगों ने कहा आप बहुत तेजी में उड़ रहे हो। उन लोगों ने जितने भी मेरे वीडियोस थे कॉन्ट्रोवर्सी के, पुराने टिकटॉक मोटिवेशनल पैसू फेक थिंग्स, उन लोग सब कुछ कंपाइल करके लाए हैं और मुझे बोले कि आज आपको यहाँ बैठना है, देना है इसका धपाधप रिएक्शन कि आप क्या फील करते हो। गाइज, मैंने अभी तक इसमें से कुछ फुटेज देखा होगा क्योंकि एक्सप्लोर में आया होगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। सो लेट्स गो गाइज। अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। अकेली ना बाजार जाया करो। आप लोगों को बताऊं मैं कि ये सब वीडियोस है ना गाइज, हम लोग बनाने जाते थे अच्छे लोकेशन पे, अच्छा लोकेशन ढूंढ के। जुहू पे मिला था एक लोकेशन जहाँ पे हमें ये वीडियो बनाने के बाद में वॉचमैन में भगा दिया था। निकलो यहाँ से हराम जादो। ये टाइम पे हम लोग एक एक वीडियो, दो दो वीडियो, तीन तीन वीडियो अलग अलग लोकेशन से निकालते थे और एक्सप्लोर करते थे। ये थी हमारी ग्रुप वीडियोस, जो बहुत क्रिंज है, बट क्या कर सकते हैं गाइज। गाइज, ये जो आप मेरा हेयर लुक देख रहे हो ना, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम था जो मैंने अपने बालों को कलर किया था। ये अजमेर का वीडियो था और ये टिकटॉक पे 1 मिलियन या 1.5 मिलियन लाइक्स गया था। तो मुझे समझ में आया कि यार अपने अंदर एक हीरो पर्सनालिटी भी है यार। उसके बाद से मैं अपने आप में हीरो नजर आने लगा और मैंने हीरो वाले कंटेंट बनाना शुरू किया था। कितना बच्चा दिख रहा है, सेनोरिटा के बड़े बड़े होते रहते। क्या एक्सप्रेशन है यार, क्या एक्सप्रेशन है, इतना गंदा एक्सप्रेशन। बट वो टिकटॉक का दौर था यार, और टिकटॉक के टाइम पे ना लाउड ही एक्सप्रेशन चलते थे गाइस। ये टोपी आपने कहाँ से ली? फ्रांस से? नहीं, स्विट्जरलैंड से। अच्छा गाइज, आपने एक चीज नोटिस किया, ये वीडियो हमने टिकटॉक पे बनाया था अंदाज अपना अपना का, और अभी रिसेंटली मैंने आमिर खान के साथ में वीडियो बनाया था। देखो यार, जर्नी ऐसी हो और खूबसूरत हो तो यार क्या मजा आता है यार सोच के। टीम 07 का जो बॉन्ड था ना गाइज, मैं समझ सकता हूँ कि आज के दौर पे ना आप लोगों को वैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सब जो वीडियोस आप लोगों ने देख लिया है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये लोग पहले ऐसे थे अभी ऐसे नहीं है। बट गाइज ट्रस्ट मी, मेरे पॉडकास्ट में ना सिर्फ फैज की कमी थी, नहीं तो आपको तो मैं और ज्यादा दिखाता था। बट खैर, फैज गया एक अच्छे रियलिटी शो के लिए, तो उसको फुल सपोर्ट, बट हमारा बॉन्ड आज भी ऐसी है गाइज। अच्छा, ये वीडियो में मैं फुल ट्राइसेप दिखा रहा हूँ। पता है गाइज, हम लोग है ना दिन भर वीडियो बना लेते थे, और रात में ना जब हम लोग का टाइम आता था ना नेक्स्ट डे का, क्या पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद में, वीडियोस बनाने के बाद में, रात में ना अगर हमें कोई ऐसा कुछ कंटेंट मिल जाता था ना, तो हम लोग बोलते थे कि ये मेरा ये बनाना है, मेरा ये बनाना है। और फिर ग्रुप में किसी ने बोल दिया कि भाई ये तो मैंने भी सेव किया था, तो हमारा आधा घंटा कहीं नहीं गया गाइज लड़ाई करने में कि अब वो कंटेंट कौन बनाएगा। ये बहुत ट्रेंड चला है गाइस, एक के पीछे एक। हसनैन के साथ मैंने बनाया वीडियो, तुझे इसकी भाभी बना दूं। हसनैन ने तीन लोग को एक साथ लेके बनाया। हसनैन बहुत शाना था कंटेंट के मामले में। क्या दिन थे यार, मतलब बीकेसी में कोट पहन के कौन जाता है यार, गार्डन में कोट पहन के बैठा हूँ मैं बड़े बड़े गम्बूट के साथ में, और गया हूँ रील्स बनाने, सॉरी टिकटॉक बनाने। ये डेडिकेशन था गाइस, ये नहीं सोचे थे कि यार आगे चल के इतना बड़ा कर लेंगे या कुछ हो जाएगा या कुछ बना लेंगे, बट प्यार था यार, टिकटॉक एक प्यार था सच में गाइस। तुम देसी लोगों का ना कोई बोलने का तरीका होता है, ना कोई स्टैंडर्ड, ना पहनने का तरीका। ट्रांजिशन के बाद भी खराब ही दिख रहे गाइस हम लोग। अरे यार, ये वीडियो बहुत ट्रेंड में आया था गाइस, बट मुझे समझ में नहीं आता यार एक चीज कि हम लोग वो टाइम पे ना ट्रेंड पे वीडियो बनाते थे, बट ऐसे सब साउंड को ट्रेंड कौन करता था यार। आज थोड़ा अजीब लग रहा है देखने के बाद में, बट सच में यार लोग जो बोलते थे ना क्रिंज तो है। मुन्ना फैजू, मुनावर फारूकी अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में मिस्टर फैजू को थोड़ा सा ट्रोल किए, आप खुद देख लीजिए। गाइज, ये वीडियो मैंने देखा हूँ और ये बहुत मीठा रोस्ट किया इसने मुझे। खैर, मेरा मन तो बहुत था, बट मेरा ये हमेशा से रहा है कि मैं कभी किसी को कुछ बोला नहीं या कभी रिएक्ट नहीं किया, तो यार अपना भाई है मुनव्वर। पहला एपिसोड आया, फैंस लोग मैसेज कर बोले भाई आप कहाँ हो, केप टाउन साउथ अफ्रीका। बोले भाई आप नहीं हो खतरों के खिलाड़ी, फैसल भी है, फैजू। मेरा कलर्स वालों का मेल आया, उन्होंने लिखा एक शो पे एक ही छपरी चाहिए। नेक्स्ट ईयर खतरों के खिलाड़ी कुर्ला में शूट करो। भाई बात तो सही है, तभी तो मैं इस साल बिग बॉस नहीं कर पाया। इमोशनल डैमेज।
वो हो खतरों के खिलाड़ी पहुंच गए गाइस। मुनव्वर तूने नाम लिया और खतरों के खिलाड़ी में आ गए हम लोग। रोहित सर ये कौन है? ये भी आपको रोस्ट करेगी। अच्छा ये रोस्ट करेगी। अगर जिंदगी में लड़की बटाना है मेरा भाई तो बाल को खड़े करना पड़ेगा ना मेरी जान। पानी पानी दे पानी दे पानी दे इसको पानी दे पहले। कैसे भैया बहुत तेज हो रहे हो? तू इतनी तेज हो रही है, तू कैरी मिनाटी की लाइन तेरे रोस्टिंग के वीडियो पे डाल रही है यार, थोड़ा कुछ तो अपना ला। एक तो पूरे रोस्ट के वीडियो में तू हम लोगों को यूज कर रही है यार, कुछ तो ला। एक तो तेरी आवाज इतनी इरिटेटिंग है यार, आपको तो पता ही है आगे बोलूंगा तो ऑफेंड हो जाओगी। वैसे मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस। सांपों के साथ दोस्ती तो यार तुम लोगों की होगी क्योंकि हमारे दोस्त सांप नहीं होते यार। तो गाइज ये चालू होने से पहले मैं आप लोगों को इसकी एक बैक स्टोरी बता देता हूँ। तो गाइज ये गाने पे अभी व्यू अराउंड 45 मिलियन है और ये मेरा सबसे पहला म्यूजिक वीडियो है। बैकग्राउंड में चलने देते हैं, स्लो करता हूँ वॉल्यूम, फील आना चाहिए बताने में। गाइज ये म्यूजिक वीडियो मैंने शूट किया हूँ पता है कितने में? 1800 रुपये में। हमारा बजट था 30,000 का बट हमने 1800 रुपये में शूट किया है। बजट हमारे पास 30,000 था, वो भी ब्रांड से आ रहा था। आप देख सकते हो ये वीडियो के स्टार्ट होने से पहले एक ब्रांड था बट वो ब्रांड ने पैसा हम लोगों को वीडियो पोस्टिंग के बाद में देने बोला था, इसलिए हमने वो वीडियो को 1800 रुपये में शूट किया। 1000 रुपये का हम लोगों का खाना पीना था, 500 रुपये का हम लोग ने डीजल डलाए थे गाड़ी में यहाँ से वाशी जाने के लिए, 300 रुपये का हमने उसमें से 150 रुपये का केक लिया था, 150 रुपये का फ्लावर्स। तो ये हमारा बजट था पूरे गाने का और आप देख रहे हो उस पर 45 मिलियन व्यूज है। मुझे नहीं लगता है कि नहीं यार हो सकता है, यूट्यूब है यार, लोग कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, सो गाइस ये है लेबल अक्की फोटोग्राफी का जिसने आज तक मुझे पैसे नहीं दिया। FBI, open up! मिस्टर फेसबुक टीम 07 और थगेश का तो हम दोनों का तो एक अलग ही बॉन्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं आपके साथ। मिस्टर फेजू की एंट्री हुई है खतरों के खिलाड़ी में। गलत हुआ, यूट्यूबर्स बड़े लोगों को देख के व्लॉग बना लेते हैं, वैसे टिकटॉकर चाहे कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो उससे टिकटॉक बनवा ही लिया। सबसे पहले मैं ये वीडियो, अच्छा हुआ भाई तुम लोग ने ये वीडियो डाला, बहुत अच्छा काम किए गाइज। ये वीडियो पे ना मैंने 80 मिलियन व्यूज देखा हूँ, मतलब लोगों को इतना पसंद है और ये वीडियो बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं एडिटर को बोलूंगा गाइज क्या एडिट किया यार आप लोगों ने, ये पता नहीं यार कोई फैन पेज ने किया है या कोई, बट बहुत अच्छा एडिट है। बट जेन्युइनली गाइज मैं जो मीडिया को बोल के निकला कि मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, वो मैं एक फ्रेंड को पिकअप करने के लिए गया था बट उतने में ही बर्थडे पार्टी खत्म करके जन्नत की फैमिली जा रही थी, तो सलाम दुआ करने में मैं एक नजर मार लिया, मगर क्या एडिट किया यार। बाप रे, मैं सच में इधर पे आयान से बात कर रहा था, मैंने आयान को देखा था रास्ते में जाते हुए, मैंने पूछा था भाई तुम भी वो इवेंट पे जा रहे हो क्या, तो मेरी उससे वहाँ पे बातचीत हुई। बट जब मैं इवेंट पे पहुंचा तो मैं बोला भाई तुम लोग कहाँ हो, वो भी मीडिया में कैप्चर हो गया। उसके बाद में मेरी एंट्री हुई, एंट्री में मुझे पता नहीं क्या आयान सामने ही बैठा हुआ है, कॉल पे बात करते करते मैं देखा, पहुंचते पहुंचते हम लोगों का कॉल का इंटरेक्शन हो गया। लोगों को मानना पड़ेगा यार, मतलब इतनी छोटी सी फुटेज को इतना मस्त लोगों में एडिट करके यार 100 मिलियन व्यूज है ये वीडियो पे, 100 मिलियन व्यूज। गाइस अगर आप लोग ऐसा कुछ वीडियो एडिट करते हो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, प्लीज मुझे भेज दो, मैं ही पोस्ट कर देता हूँ। बॉलर लाइफ ने डाला है ही बिकेम अ मीम ऑल ओवर द इंटरनेट फॉर दिस, सो लेट्स गो देखते हैं। भाई तू बहुत कम पहुंचा हुआ है, तू बहुत कम पहुंचा हुआ है ब्रो, इससे ज्यादा मीम है मेरे। But with all these haters, he has nothing to lose because he's earning millions of dollars doing TV shows, reality shows, millions of dollars, and brand guys. Endorsements like a star. Now he got his own house and has a huge car collection, which includes BMW.
लेट मी क्लियर माई सेल्फ गाइस, मेरे पास ये जो गाड़ी आप देख रहे हो वो गाड़ी मेरी नहीं है, ये दोनों गाड़ी मेरे एक फ्रेंड फरहान की है जिसने मिलियनर बोला है, बट जो टाइम का फुटेज दिखाया है शायद वो टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे इतने। खत्म गाइस, खत्म गाइस। इसने जो इन्फॉर्मेशन दिया है बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया है, पैसे को लेकर थोड़ा गलत दिया है, गाड़ी को लेकर थोड़ा गलत दिया है, बट एक्यूरेट बताया, एकदम प्रॉपर बताया, फेम था उसने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सो गाइस ये था मेरा फर्स्ट रिएक्शन वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को प्लीज मुझे बताना, सपोर्ट करना मुझे इसमें, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगर मेरा रिएक्शन वीडियो बहुत अच्छा चला तो हम आगे बहुत ज्यादा वीडियो बनाएंगे, प्लीज गाइस कमेंट करना क्योंकि हम आगे बहुत सारी रिएक्शन वीडियोस आना बाकी है। सो लेट्स गो।